तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। तो मैं सुशील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी आखिर होती क्या है, तो एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी, इसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला जो हमारी है हाफ एम वी स्क्वायर, उसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, काफी छोटी लेक्चर है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, काफी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, 1/2 मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर, हमें इसी फॉर्मूला को प्रूव करनी है। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। जानते हैं कि नहीं जानते, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है। तो हम यहाँ पे जिसके हमें पता है वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए हमें यहाँ पे वर्क लेना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों इसका मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ हम यहाँ पे क्या जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई डिस्टेंस, है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे दोस्तों ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या ले सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों, जरूर लिख सकते हैं। अब हम यहीं पे दोस्तों क्या करने वाले कि इक्वेशन 2 जो हमने बनाया है, इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लाते हैं फ्रॉम, लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, 2 की वैल्यू को हम 1 पे पुट करने जा रहे हैं। तो हमारे लिख सकते हैं दोस्तों डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स, है कि नहीं, फोर्स इन टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, या विकलम रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जब आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स, हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या दोस्तों, एम ए होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। ए से एक ए हमारे यहाँ पे हम काट सकते हैं, और यहाँ पे देखिएगा इस इक्वेशन के नीचे 2 है, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 मास को यहीं पे रखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे रखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर जो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो जरूर बताइएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे और इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो हमने लिखा है, अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जब भी कोई बॉडी मोशन में आता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रह सकती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी, तब जाके फाइनल वेलोसिटी वो एक्वायर करती, तो हम वी लिखते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है हमारा, फाइनल वेलोसिटी की हम बात करें तो हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 मास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू की जगह पर लेंगे दोस्तों जीरो का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी में हमारा यू बराबर क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, होती है कि नहीं होती है। अब इसी को हम सॉल्व करने वाले, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर, इसको हम अब ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और लिखेंगे ये जो वर्क है, हम जानते हैं वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, लिखते हैं दिस वर्क वुड बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहीं पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, यहाँ पे m हमारा मास है, v हमारा वेलोसिटी है, तो हेंस हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डरावनी सा तरीका से हमने यहाँ पे कर लिया। एंड अगर जो आप क्लास 9th में है तो ये डेरिवेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक करिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अभी आपको 9th-10th के बच्चे अगर जो आप है बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट में आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करें कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।